अच्छा बच्चों, जो आपको हमने सारे काम वगैरह स्टार्ट करने हैं वो ये ऐसे है कुछ कि अब इन सारे जूम सेशंस में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट को किस तरह के लिए, प्रोजेक्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट की वर्किंग क्या होगी, या प्रोजेक्ट को हम किस तरह लेके चल रहे होंगे। आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो या कोई भी इंटरफेस, वेब इंटरफेस यूज़ कर रहे हो, दैट्स अप टू यू कि आपको कौन सा इंटरफेस जो है वो ज़्यादा फिजिबल लगता है। ये सारा आपका अपना ही वर्किंग क्राइटेरिया होगा क्या आपको क्या लगता पॉइंट ये है कि अब हमने एक प्रोजेक्ट को लेके चलना है और प्रोजेक्ट कैसा होगा, प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, किस तरह हम प्रोजेक्ट्स को लेके चलेंगे, उसमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके नीना, मेरा माइक जो है वो यहाँ से करेक्टली काम कर रहा है, क्योंकि अगर सबको वॉइस इशू आ रहा है तो काइंडली मुझे बता दें कि वॉइस इशू आपको आ रहा है, ताकि मैं अपने माइक को दोबारा चेक करूँ। काइंडली एक्नॉलेज मी इफ यू आर एबल टू हियर माई वॉइस करेक्टली। मुझे अनिला का मैसेज मुझे ये आया कि द वॉइस इज नॉट वर्किंग, तो आप सबसे ओके अच्छा ओके लेट मी चेक माइक इंटरफेस। अच्छा मेरे पास यहाँ पर ना सबसे हाईएस्ट पिच जो है वो शो कर रहा है, पिचिंग इज द वेरी हाईएस्ट वन, तो लेट मी चेक अगेन। और अगर किसी को वॉइस का इशू आ रहा है तो पहले आप मुझे बता दो, ताकि अगर सेशन स्टार्ट करें तो ना बने ना आए, क्योंकि अब हम प्रोजेक्ट की वर्किंग के ऊपर ही सारी चीजें हमारी बेस करेंगे। एवरीथिंग दैट इज बेस्ड ऑन आवर प्रोजेक्ट। तो हमें छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखना। अब वर्किंग क्या है, वर्किंग कैसे की जाएगी, वर्किंग में क्या क्या चीजें होंगी, किन चीजों को रखना है, किन किन चीजों को निकालना है, किस तरह करना है, किस तरह निकालना है, ये सब हम इसमें कुछ एरर्स होंगे, कुछ एरर्स की रिजॉल्वेशन है, जिससे मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। वॉइस इजन क्लियर, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा लेट मी फाइंड द माइक्रोफोन, देन मैं इसको दोबारा सेशन को स्टार्ट करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन अगेन। सेशन अच्छा, आप लोगों के पास जब नोट पे आप लोग काम करते हो कुछ एरर्स वगैरह आते हैं, उन एरर्स को दुरुस्त कैसे करेंगे। अच्छा ये मेरे पास इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप लोगों के पास जो एरर्स आएंगे वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अब जैसे मेरे पास एक चीज़ है, npm मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास एक एरर आ जाता है कि जी मेरे पास मॉड्यूल नॉट फाउंड है। जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे आपके पास ये एरर्स आएंगे, जैसे यहाँ पर थ्रो एरर है, एक्सेप्शन है, मॉड्यूल नॉट फाउंड आएगा, या इस तरह के एरर्स वगैरह को आएगा। पहले तो क्योंकि कुछ लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट दीज एरर्स कि ये एरर्स क्यों आते हैं, ये किस वजह से आते हैं, इसके इंटरफेस में क्या चीज़ होती है। अब जैसे मैं अगर npm रन करता हूँ तो मेरे पास एक प्रीफिक्स आएगा। अब मैं यहाँ पर क्लाइंट को रन करता हूँ तो मेरे पास वाइट क्लाइंट का एक होता है वाइट। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको उसमें एक छोटी सी मतलब बताता हूँ, इसका इसका सारी चीज़ का मतलब क्या है। मैं एक डैशबोर्ड ओपन करता हूँ पीसी के ऊपर ही। ओके हियर वी गो। अब हम प्रोजेक्ट की क्रिएशन की अगर बात करते हैं स्टार्टिंग से, फिर मैं आपको एरर्स वेरीफाई करेंगे कि आपको एरर्स क्या क्या रिसीव हो सकते हैं या कैसे कैसे एरर्स आपके पास आएंगे। अच्छा लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। हमने प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट है, वेब का एक इंटरफेस है, या हमने इसको डिज़ाइन करना है। अब इसकी डिज़ाइनिंग में वॉइस इज टू लो,
वॉइस, क्योंकि मेरे पास मेरा माइक्रोफोन जो है वो कंप्लीट वॉइस शो कर रहा है कि वॉइस जो है वो बिल्कुल ठीक से जा रही है। एक्चुअली अगर आप लोग सेलफोन्स में सुन रहे हो तो शायद कोई इश्यू सेलफोन की वजह से आपको ना आ रहा हो, क्योंकि ये क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम है इसको मैं अभी सुबह एक सेशन लिया था। सो ओके लेट्स सी। अच्छा एक हमारे पास वेबसाइट होगी, वेबसाइट को आपने डिजाइन करना होगा, आपका डिजाइनिंग पार्ट जो होगा वो विद इन द सिस्टम आएगा, आपकी पेजिनेशन या जो पेज मार्जिन होगा वो कुछ इस तरह आपका सेटअप रहेगा। अब प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है? अब प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन ये है कि आपने एक साइट पे लॉग इन बनाना है, इस जगह पे उसके लॉग इन टैब आएगा जिसमें साइन अप है या लॉग इन है, जो भी आप उसको आपस में देना चाहो आप उसको दे सकते हो। यहाँ पर आपके ऊपर लॉग इन का टैब आएगा, ठीक है। आप अगली चीज़ जो यहाँ पे आएगी वो आएगा आपका लोगो, यहाँ पे आपका लोगो आएगा और यहाँ पे आपकी बाकी नेविगेशन बार आएगी और इसके बैक एंड के ऊपर आपकी एक्सप्रेस और नॉर्डी चल रहा होगा, लेकिन फ्रंट एंड आपका कुछ इस तरह डिजाइन होगा। फिर आपके पास एक स्लाइडर होगा, यहाँ पर आपके पास यहाँ पे स्लाइडर होगा और स्लाइडर को आप लगा दोगे एरोस वगैरह, स्लाइडर पे एरोस लगते हैं, ठीक है। अब स्लाइडर के एरोस लग के, अब स्लाइडर से जब हम नीचे आएंगे सेकंड पेज जब डिज़ाइन करेंगे तो सेकंड पेज पे भी आपके पास मल्टीपल दो टैब्स हुआ करेंगे या तीन टैब आप बना लो। स्लाइडर के बिल्कुल नीचे जाके आपके पास तीन टैब्स बनेंगे जिन पे आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हुआ करेगी या कोई भी आपने इस पे सेव करना है। तो एक्चुअली आपके बनेंगे यहाँ पर मल्टीपल टैब्स, यहाँ पे आपका होम का आएगा, होम के टैब के बाद आपका आ जाएगा दूसरा टैब, आपका अबाउट अस आ जाएगा, अबाउट अस के बाद आ जाएगा सॉल्यूशंस या पेज डिस्क्रिप्शन या जो भी आप ब्लॉग देना चाहो, यहाँ पे आएगा टीम का और एंड पे आएगा कॉन्टेक्ट अस का। अब ये तो आपका प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट के अंदर यही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट बनेगा वो उस तरह हमें नहीं मज़ा आएगा कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि अब आप ये जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो ये एक्चुअली एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। अब आपको क्लाइंट का एक इंटरफेस सिखाता हूँ, आपने प्रोजेक्ट को डील कैसे करना होता है, आपने प्रोजेक्ट को डील कैसे करना होता है। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो आप साथ ही मेरे से भी पूछ लेना, ठीक है। अच्छा आप प्रोजेक्ट क्लाइंट को कैसा चाहिए, क्लाइंट को प्रोजेक्ट जो है वो कैसा चाहिए, मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ और क्लाइंट को प्रोजेक्ट चाहिए कुछ डिफरेंट तरीके का। अब वो डिफरेंट तरीका क्या है, आप सब लोगों को पता होगा कि जो रेंटल कार मॉडल्स होते हैं, रेंटल कार की जो वेबसाइट्स होती हैं या सर्विसेज होती हैं वो पूरी सी डिफरेंट होती है। अब रेंटल कार्स में कुछ इस तरह करके हमारे पास इंटरफेस आ रहा होता है, लेकिन इसको ये ट्रेडिशनल इंटरफेस नहीं चाहिए, उसको ट्रेडिशनल इंटरफेस नहीं चाहिए, उसको इंटरफेस कैसा चाहिए, रेंटल कार प्रोजेक्ट का नाम है लेकिन उसको इंटरफेस चाहिए इसका बेंटले कार की वेबसाइट के साथ, उसको इंटरफेस चाहिए कुछ इस तरह का, उसको इंटरफेस चाहिए रेंटल कार का कुछ इस तरह का, उसको इंटरफेस यहाँ से कुछ ऐसा चाहिए कि ऊपर इसके पास जैसे ये लॉगिन आ गया, लोकेटर के जगह पर ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई जो साइन अप होता है, यहाँ पे बाकी सारे उसके टैब्स वगैरह आ जाएंगे, यहाँ पे एक स्लाइड शो लगा होगा और यहाँ पर नीचे दो की जगह उसको तीन टैब्स चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा कि उसको क्या क्या चीज़ कॉन्फ़िगर में रिक्वायर्ड है। अच्छा जिसका प्रोजेक्ट वो सबसे अच्छा होगा वो कंपनी जो है वो उसको हायर करेगी अपने साथ फर्दर वर्किंग के लिए। अब वो कंपनी बेस्ड करती है यूके के अंदर और वर्किंग कर रही है पाकिस्तान में हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म पे उसकी
चीज़ें डिज़ाइन की जा रही हैं और डिज़ाइन हो रही हैं। ये उसका एक रीसेंट प्रोजेक्ट है जिसको अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। हमने ये डिसाइड किया था कि ये प्रोजेक्ट हम PFTP के स्टूडेंट से ही करवाएंगे और वो भी इनको करके देंगे। ये प्रोजेक्ट ईजी है, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ जो काम करने वाली चीज़ है वो सिर्फ इसका इंटरफेस है। बैकएंड से जो डेटा लेके आना है उसमें सिर्फ यूज़र आईडी होगा, लॉगिन होगा या उसका सर्वर हुआ रहेगा जो आपने नॉड या एक्सप्रेस पे आपने डिज़ाइन करना होगा। अब डेटाबेस में डेटा टेबल्स कौन कौन से बनेंगे, डेटाबेस में डेटा टेबल्स कौन कौन से बनेंगे? अगर हम दोबारा इंटरफेस पे आते हैं, अगर मैं अब डिसाइड करता हूँ कि डेटा टेबल्स कौन कौन से बनेंगे, तो मेरे पास जो पहला टेबल बनेगा, मेरे पास जो पहला टेबल बनेगा इस इंटरफेस में, इसमें आएगा यूज़र इंफॉर्मेशन। पहले आएगा यूज़र आईडी, क्या इसके बाद उसका आएगा ईमेल, पासवर्ड, लोकेशन, एड्रेस और चॉइस ऑफ कार्ड वगैरह हैं, कलर दे दिया कि उसको कलर्स कौन से रिक्वायर्ड हैं या किस कलर्स उसको कौन से कलर्स को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और उसका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आ गई। हमारे पास एक ये टेबल आ गया, एक टेबल बनेगा बैक एंड के ऊपर, ना तो सेकंड टेबल है उसको किस एम्प्लॉय ने डील किया है। ये एक्चुअली बैच 6 का ही प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअली बैच 6 वालों के लिए मुस्तफ़ा प्रोजेक्ट है। बैच 5 वालों को ऑलरेडी प्रोजेक्ट जा चुका है मूवी का, सो एक्चुअली ये प्रोजेक्ट बैच 6 वालों के लिए है। मैं डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आजकल मैं आपसे शेयर कर लूँगा, तो आप लोग इस पर वर्किंग स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पर आएगा दूसरा जो टेबल आएगा वो आएगा एम्प्लॉय आईडी, किस एम्प्लॉय ने उसको डील किया, और कार कौन सी है, कार नेम कर देते हैं, फिर कार प्राइस अगर उसको आगे कोई डील कर रहा है। नहीं, हमादुर रहमान बैच 7 के लिए प्रोजेक्ट चेंज होगा, बैच 7 के लिए प्रोजेक्ट चेंज होगा, क्योंकि अभी आपको एक दिन मान लग जाएगा चीज़ें सीखते सीखते। बैच 6 वालों के लिए अभी ये प्रोजेक्ट है। अगर आप वैसे प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो, आप प्रैक्टिस के लिए ये बिल्कुल कर सकते हो। आप कोई अगर एरर आता है ग्रुप में ऑलरेडी ऐड है, हाँ कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपके लिए बाद में प्रोजेक्ट जो है वो एक और भी है, वो भी प्रोजेक्ट बहुत मज़े का होता है। यहाँ पे उसकी कार प्राइस आ जाएगी, कार प्राइस के बाद यहाँ पर आ जाएगा कि डील कितने में डन की गई है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का कुछ डेटा आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गई जिसने उसको डील किया। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन है एम्प्लॉय आईडी का यूज़र आईडी के साथ। इसके बाद हमारे पास फिर डेटाबेस बनेगा। अब इस डेटाबेस में हमारे पास होगी कार्स इंफॉर्मेशन, कार्स की सारी इंफॉर्मेशन होगी। अब कार्स की इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कार्स इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती जाएंगी। कार्स इंफॉर्मेशन में हमारे पास आ जाएगा कलर आ गया, उसकी बॉडी टाइप आ गई, इसके बाद मॉडिफिकेशन इफ एनी, मॉडिफिकेशन इफ एनी, इसके बाद टाइप। तो कार का टेबल हमारे पास हमें ये इंफॉर्मेशन शो करेगा कि कार में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब तीनों टेबल हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पर ये यूज़र जो है वो इससे सारा डेटा फेच करवाएगा, क्योंकि यूज़र का यहाँ से डायरेक्ट लिंक होगा कि उसने कार की इंफॉर्मेशन को फेच करना है जब वो लॉगिन कर रहा है या आगे वो आगे फर्दर इंटरफेस पे दे। तो ये पीछे डेटा टेबल है जो कि पीछे बनेंगे। इसके बाद उसकी प्राइस है, प्राइस की कार की उसमें आ जाएगी। तो ये तो पीछे टेबल्स हैं जिसमें ये टेबल्स बनने हैं। अब फ्रंट इंटरफेस पे हमारे पास क्या क्या बनेगा, अब आते हैं लॉगिन पेज पे।
लॉगिन पेज पे आता हूँ। लॉगिन पेज पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है? लॉगिन पेज पे जैसे हमने देखा, सॉरी लॉगिन नहीं, साइन अप, साइन अप पेज। अब साइन अप पेज पे हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है? पहला इसका नेम, ईमेल आईडी, उसके बाद कॉन्टैक्ट, लोकेशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, कलर, और हम साइन अप में और क्या क्या दे सकते हैं, बस ये दे सकते हैं। अच्छा, साइन अप के अंदर उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कनेक्शंस लगेंगे इस जगह पर। अब ये कनेक्शन क्या लगेगा कि ये चेक किया जाएगा, यहाँ से ये चेक होगा नेम कि ये डेटाबेस में ऑलरेडी है कि नहीं है। नेम चेक होगा, नेम के साथ साथ ईमेल आईडी चेक होगी, कॉन्टैक्ट चेक होगा। तो तीन चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी चेक किए जाएंगी साइन अप के टाइम पर। तीन चीज़ें चेक होंगी साइन अप के टाइम पर। हम तीन चीज़ों को चेक करेंगे। इसके बाद हमने ये चेक करने के बाद इसकी वेरिफिकेशन कर ली कि यहाँ पर ये ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है। अब हमें पता लगे कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो अब साइन अप करके हमारे पास एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसको हम कहेंगे कंप्लीट फॉर्म। कंप्लीट फॉर्म, अब इस फॉर्म में हम क्या क्या उससे लेंगे? अब इस फॉर्म के अंदर हमारे पास इस पे आ जाएगी बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पर उसकी अपलोड होगी, फिर बैंक नेम, ये बाद में आएगा, इस तरह ही आएगा बैंक अकाउंट नंबर या आईबीएन नंबर या कोई भी बैंक अकाउंट नंबर इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब ये ऑथेंटिकेशन के लिए जाएगा यहाँ से, ये वाला जो बॉक्स है, अब ये आगे चला जाएगा वेरीफाई होने के लिए। यहाँ पर एक बंदा होगा जो इसको देख रहा होगा और उसका नाम होगा अरुण। सो टेक्निकली एडमिन इज वॉचिंग द थिंग्स, एडमिन के पास परमिशन जाएगी, एडमिन के पास परमिशन जाएगी और एडमिन जो होगा वो कांटेक्ट करेगा एडमिन कांटेक्ट करेगा बैंक से। अब ये सारी परमिशन आपने तो बनानी है, बाकी उनको जो सारी चीज़ें लीगली रिक्वायर्ड होंगी वो उनके पास ऑलरेडी होंगी। अब एडमिन जब परमिशन रिक्वायर्ड करेगा, इट मींस कि अब एडमिन के पास यहाँ पर एडमिन के पास आते हैं, एडमिन के पास क्या क्या परमिशन होनी चाहिए। अब एडमिन के पास आगे जो लॉगिन है, एडमिन जब अब आगे जा रहा है तो एडमिन के पास लिस्ट ऑफ बैंक्स होगी, लिस्ट ऑफ बैंक्स होगी। अब इन स्पेसिफिक बैंक में से एडमिन ने क्या करना है, चूज वन बैंक। अब जो भी इस बैंक इसने चूज किया है उस बैंक की फर्दर जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसका लॉगिन आईडी होगा, उसका लॉगिन आईडी होगा एडमिन का, एडमिन का लॉगिन आईडी होगा। वो लॉगिन करके अंदर आएगा क्योंकि यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नहीं देगा, यहाँ पर बैंक कोई रजिस्टर्ड नहीं देगा क्योंकि ज़्यादातर बैंक की अपनी सिक्योरिटी होती है, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, वो आपको लॉगिन आईडी ही देते हैं। अब यहाँ से जब वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद नाउ एडमिन का लॉगिन हो गया, लॉगिन करने के बाद नाउ एडमिन इज गोइंग टू वॉच, एडमिन अब देखेगा यूज़र नेम। अब यूज़र नेम उसको किस तरह दिया जा रहा है, यूज़र नेम उसके पास तीन से चार तरीके से आ रहा है। पहला तरीका उसके पास क्या है यूज़र नेम का चेक करने के लिए कि बैंक IBAN नंबर या यूज़र बैंक अकाउंट डिटेल्स,
जिसमें उसका CNIC हो सकता है या कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर भी फिर से चेक लगेगा अगर नेम पे आते हैं। अगर नेम पे आएंगे, अगर हम नेम पे आते हैं किसी भी स्पेसिफिक नेम पे चेक लगेगा। आप सपोज करते हैं नेम पे क्या चेक लग रहा है, यूजर नेम सेम भी दे सकते हैं, सेम अगर आता है तो उसके साथ उसको दोबारा फेच करोगे। अगर यूजर नेम सेम आता है तो डेटा फेच किया जाएगा, फेच डेटा कंप्लीट, जो उसका वहां पे फॉर्म पड़ा होगा। अब लोकेशन है, IBAN नंबर है, बाकी सारा कुछ है, तो यहाँ से चेक किया जाएगा कि यार ये यूजर सेम है या डिफरेंट आ गया। तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे बैंक के लॉगिन में, बैंक लॉगिन कर जाएगा। अब जब बैंक लॉगिन करेगा तो वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि ये यूजर जो है ये वैलिड है या नॉट वैलिड। सो मुझे ये दो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएंगी कि ये वैलिड है या नॉट वैलिड में आ जाएगा। अब यहाँ से जब मुझे यूजर इन्फॉर्मेशन मेरी नॉट वैलिड है, नॉट वैलिड होने के बाद मैं उसको यहाँ से इन्फॉर्मेशन सेंड करवाऊंगा एडमिन को। अगेन एडमिन इसको क्या करेगा, एडमिन यहाँ से इसको बैक करेगा और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर लिखा आएगा प्लीज ट्राई विथ डिटेल्स या प्रॉपर डिटेल्स, प्रॉपर डिटेल्स, प्राइवेट प्रॉपर डिटेल्स। तो ये हमारे पास एक साइन अप का पेज तरीके से बनेगा। अब साइन अप जब हो गया, वेरिफिकेशन हो गई, तो उसका एक बन जाएगा लॉगिन आईडी, उसका एक बन जाएगा लॉगिन आईडी। अब उसका बन गया हमारे पास लॉगिन आईडी ऑन और वेबसाइट, हमारे पास उसका लॉगिन आईडी बन गया। अब वो हमारे पास से लॉगिन करेगा, चेक होगी डिटेल्स, डिटेल्स चेक करने के बाद सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन ऑफ पार्ट्स कर लें, उसके बाद प्राइस होगी, फिर यहाँ पे आएगा पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड पे फिर हमारे पास एक नया चेक लगेगा, पेमेंट मेथड के लिए फिर से एक चेक लगेगा और वो चेक क्या होगा, कैश CRED या क्रेडिट कार्ड और बिटकॉइन। तो हमारे पास अब ये तीन चेक लगेंगे। फिर क्रेडिट कार्ड के लिए फिर उसको बैंक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी सारी, तो कैश तो बात सामने आ जाएगा, लेकिन जब वो क्रेडिट कार्ड या बिटकॉइन पे जाएगा, क्रेडिट कार्ड या बिटकॉइन पे जाएगा तो क्रेडिट कार्ड अगेन इन्फॉर्मेशन आएगी बैंक की, और अगर बिटकॉइन पे जाता है तो उसका यहाँ पर आएगा LED. So, ये तो एक है वो हमने प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं। ये एक हमारा कंप्लीट एक प्रोजेक्ट होगा जो आपने अब बनाना है और जो बना के देना है। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग आप आज से स्टार्ट कर दो, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, तो इससे ये होगा कि अगर कहीं पे एरर आता है आप, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड भी करता रहूँगा कि आपके पास ये एरर आ रहा है इसको ऐसे सॉल्व करें, ये एरर आ रहा है इसको ऐसे सॉल्व करें। अब इस एरर को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होंगे, तो आप लोगों ने जब प्रोजेक्ट बनाना है या प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो देखते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे। हम इंटरफेस पे आ जाता हूँ। अच्छा, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के दो से तीन तरीके, आपके पास Visual Studio कोड है, आप लोगों के पास विजुअल स्टूडियो कोड होगा, आप विजुअल स्टूडियो कोड पे काम कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर आप बनाओगे, अच्छा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट अब आपने बनाना है ना वो वर्क स्पेस में बनाना है,
ओपन फाइल है, एड फोल्डर टू वर्कस्पेस, आपने करना है एड फोल्डर टू वर्कस्पेस। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट में रखोगे वर्कस्पेस को, आप रखोगे क्या, अब जो आपका प्रोजेक्ट है, मैं जैसे प्रोजेक्ट रख रहा हूँ, प्रोजेक्ट PFTP, ऐड कर दिया, ओके, पाथ डज नॉट एग्जिस्ट, ट्राई अगेन, एक मिनट, मैं वर्कस्पेस को अलाउ ही कर देता हूँ सब डॉक्यूमेंट के अंदर, ओके, यहाँ पर डॉक्यूमेंट में मैं वर्कस्पेस ऐड कर देता हूँ। Do you want to trust the author of this folder? Yes. अब मेरे पास जो मेरी workspace है वो एक add होगी, ठीक है, मैं इन projects को close करता हूँ, मैं इसको मैं यहाँ से remove कर देता हूँ और इनको भी यहाँ से remove कर देते हैं। PowerShell, अच्छा मैं यहाँ से इनको हाइड भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ, एक्चुअली ये पूरा डॉक्यूमेंट ही है, मैं इसको भी अनहाइड कर देता हूँ। यहाँ पर जाकर अनटाइटल्ड वर्कस्पेस का पहले मैं नाम चेंज करता हूँ, राइट क्लिक किया, वो प्राइमरी स्लाइड बार आ गया या ओपन एडिटर आ गया, ओपन एडिटर में आके यहाँ पर मैं इसका जो नाम है वो भी चेंज कर सकता हूँ और मुझे ये सारी स्लाइड्स एक्चुअली में इसी के अंदर हम एक फोल्डर का नाम रखते हैं जिसका नाम रखते हैं PFTP। तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट आ गया, अब मैं सारा का सारा काम इसी प्रोजेक्ट के अंदर करूँगा, सारा का सारा काम इसी प्रोजेक्ट के अंदर करूँगा। तो ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, यहाँ पर PFTP का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब आपने स्टार्ट कैसे करना है, npm पहले npm इंस्टॉल कर देंगे, npm इंस्टॉल करके इसको डीप कर दोगे। अच्छा यहाँ पर आपको देगा एरर क्योंकि आपके पास packet.json की फाइल नहीं होंगी, packet.json की फाइल्स नहीं बनेंगी, तो यहाँ पे करना है npm start, अगेन एरर आएगा। अच्छा इन एरर्स का मकसद क्या है, इन एरर्स का मकसद ये है कि हमने एक एनवायरनमेंट सिंक्रोनाइज करनी है इस वर्कस्पेस में। अब ये जा रहा है वन ड्राइव में, ये जा रहा है वन ड्राइव में, क्योंकि वन ड्राइव की एनवायरनमेंट सिंक्रोनाइज नहीं होती तो मैं इसको यहाँ से बाहर लेके आता हूँ। यहाँ पे npm लिखा है, इट मींस कि मेरे पास यहाँ पर npm अवेलेबल है। अब मुझे इसको राइट क्लिक करके फाइंड एंड फोल्डर करना है, यहाँ पे लिखूंगा pftp, तो मेरे पास ये एक पैकेज का नेम अवेलेबल होगा, मेरे पास ये एक पैकेज का नेम अवेलेबल होगा, मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ पे 5.2 आ रहा है, यहाँ पे नेम आ रहा है, पैकेट डॉट जेएसएन की फाइल जो बनी है, मुझे सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ को चेंज करना है, वो ये है ये डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहा है, मुझे अपने इसको वर्क स्पेस में अटैच करना, मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ से ड्रैग करके मैं इस फाइल को इस डॉक्यूमेंट के अंदर छोड़ दूंगा और यहाँ से इसको सर्च टैग दे देता हूँ PFTP का, तो यहाँ पर मुझे कोई फाइल मिलेगी। इट मीन्स कि मेरी वर्कस्पेस जो है वो अब रेडी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इसको आराम से देख लेना, ये आपको इसका आंसर बआसानी मिल जाएगा, आपको इसका आंसर बआसानी नज़र आ जाएगा ये वर्कस्पेस का। अब मेरे पास मेरी वर्कस्पेस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, ओपन फाइल फ्रॉम वर्कस्पेस, ओपन फाइल फ्रॉम वर्कस्पेस, यहाँ पर आऊँगा PFTP लिखूँगा और इसको ओपन कर दूँगा और यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं टेस्टिंग की, उसमें वर्कस्पेस आ रहा है, एक मिनट यहाँ पर एक टेस्टिंग फाइल क्रिएट कर देते हैं, यहाँ से आते हैं नीचे, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप तो मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, ओके, इधर से फिर इधर यहाँ पर वर्कस्पेस को ओपन कर, ओपन फोल्डर में आया, यहाँ पर आया, PFTP ओपन किया, सेव फोल्डर, इसको रिमोट सेव किया,
अब हमारे पास हमारी वर्क स्पेस ओपन है, अब हमारे पास सिर्फ हमारी वर्क स्पेस ही ओपन है। जब यहाँ से स्टॉप करेंगे सेव एस वर्क स्पेस एज, तो यहाँ पर आपका PFTP का एक वर्क स्पेस का फोल्डर अटैच हो जाएगा। अब ये PFTP कोड वर्क स्पेस है, हमारे पास जो फोल्डर बाय फोल्डर अब इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ से आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, यहाँ से आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है वर्किंग के अंदर। ये वर्किंग स्पेस यहाँ से बनेगी और आपके पास जो क्राइटेरिया है आपने ये डिज़ाइन करना है। अब आप वहाँ से HTML से स्टार्ट करें या आप स्टार्ट करें बिल्कुल इससे रिएक्ट से ब्रेक स्टार्ट करते हैं कि ये बाकी चॉइस है, लेकिन आपने जब मुझे सेंड करना है, जब आप मुझे प्रोजेक्ट सेंड करोगे तो आप मुझे प्रोजेक्ट सेंड करोगे वर्क स्पेस के फोल्डर के साथ। यहाँ पर आपके साथ वर्क स्पेस लिखा होना चाहिए, यहाँ पर आपके साथ वर्क स्पेस लिखा होना चाहिए, क्योंकि वर्क स्पेस ही आपको हेल्प करवाएगा टू मेक इट वर्क। इससे ये फायदा भी होगा मुझे कि आपके पास जितने डिफरेंट वर्किंग आ रही होगी या जैसे भी हम उस पर चीज़ों को लेके चल रहे होंगे, मुझे बासानी जो है आपके फोल्डर्स मिल जाएंगे। बासानी क्या है, मुझे आपके फोल्डर्स मिल जाएंगे, बासानी मुझे आपके फोल्डर्स मिलेंगे। उनसे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको बासानी वहाँ पर चेक कर सकता हूँ, मैं बासानी आपको वहाँ पर चेक कर सकता हूँ। आपको बासानी वहाँ पे चेक करूँगा, हर एक के यहाँ पर वर्कस्पेस लिखा होगा, हर एक का फोल्डर डिफरेंट होगा और हर एक के फोल्डर के साथ कैसे तरीके से वर्किंग चल रही होगी। अब वो वर्किंग से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को गेट करते जाएंगे, हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप गेट होती जाएगी। और उस वर्किंग से हम सबको मार्क्स और आइडेंटिफाई भी कर लेंगे कि किसका कितना काम होगा। तो अब आपने डेली बेसिस पे मुझे अपनी वर्किंग जो है वो सेंड करनी है। डेली बेसिस पे आप मुझे अपनी वर्किंग जो है आप सेंड करोगे कि किसने कितना काम कर लिया। अब चाहे इसको आप गिट पे अपडेट कर दो या आप मुझे इसको जिप बना के मुझे आप मेरी ईमेल पे कर दो। मेरी ईमेल जो है इट्स cto@pftp.online। तो मेरी ये ईमेल है, आप मुझे डायरेक्ट या तो ईमेल कर दो, ठीक है, या आप गिट पे अपलोड करके मुझे उसका लिंक जो है वो शेयर कर दो। तो ये अब आपकी जो प्रोजेक्ट वर्किंग है वो यहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट हो गई है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी तो आप मुझे व्हाट्सएप में उस क्यूरी को डिस्कस कर दो, व्हाट्सएप में उस क्यूरी के बारे में बता दो कि ये क्यूरी है, इसके अंदर ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, ये चीज़ नहीं सॉल्व हो रही, तो मैं आपको अब रिप्लाई बैक दूंगा उस क्यूरी का, क्योंकि अब आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। लेकिन प्रोजेक्ट मुझे इस तरह वर्क स्पेस के अंदर आना चाहिए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, आपके लिए भी मेरे लिए भी, कि मुझे ये पता होगा कि एक्चुअली क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड कैसे हुआ, डिज़ाइन कैसे हुआ है ये क्राइटेरिया। तो ये तो था टोटल आज का सेशन। अगर सेशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, इट कुड बी एनीथिंग, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। जैसे व्हाट्सएप ओपन हो आप मेरे से डायरेक्टली इन चीज़ों के बारे में आप पूछ सकते हो। इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी, इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनीथिंग, सो डू लेट मी नो, वी विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट्स। तो ये तो था आज का सेशन जिसमें हमने देखा कि हमने प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है, किस तरह बनाना है और उस प्रोजेक्ट की वर्किंग किस तरह स्टेप बाय स्टेप चलती जाएगी ऑथेंटिकेशन के साथ या वर्किंग के साथ। अच्छा अनिला बच्चे, जो व्हाट्सएप का ग्रुप बैच 7 के लिए है वो आज या कल में वो भी बन जाएगा और उस पर भी फिर वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये तो था आज का एक सेशन। यस 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 यस, आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगी रिटन फॉर्म में आज शाम तक या कल सुबह तक, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इस सारी चीज़ को कंप्लीट करके देना होगा। अच्छा शेरियार, ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करके दोगे, हमारे पास जो टाइम है वो
17 अगस्त तक का टाइम है, 17 अगस्त तक का हमारे पास टाइम अवेलेबल है। उनके फिर हमें सेलेक्ट करना है कि किसके किसकी वर्किंग जो है वो अच्छी है। 17 अगस्त तक आपका जितना भी प्रोजेक्ट बन जाता है या जितना भी आप डिज़ाइन कर सकते हो 17 अगस्त तक, तो आप वो डिज़ाइन करके यहाँ पर हमें बता देना, ठीक है। सो ट्राई आवर बेस्ट कि आपको कोई इशू या प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये तो था आज का सेशन जो कि एक वर्किंग पैरा टाइम पे था। तो हम नेक्स्ट सेशन तक का वेट करते हैं कि आप कितना उस पर वर्किंग करते हो और कितनी वर्किंग उस पर हो जाती है। स्टिल फाइंड एनी अदर डू लेट मी नो इन व्हाट्सएप पे। जाकर आप